हेलो दोस्तों, इस वीडियो बताने वाला हूँ कि हम लोग मल्टीपल कैमरा कैसे एक साथ में रेंडर कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। pixelly.com यहाँ पर आपको मिलते हैं 3D Max मॉडल एंड टेक्सचर्स और भी बहुत कुछ। और भी ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास कैमराज हैं 1 एंड 2 एंड 3। मेरे को ये तीनों कैमरा एक साथ में रेंडर करने हैं। एक साथ में रेंडर मीन्स मैं सिर्फ एक साथ एक ही बार में रेंडर को हिट करूँगा, ये ऑटोमेटिकली सबके सब कैमराज रेंडर्स होंगे और ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएंगे मेरे लोकेशन पर। वो कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो फिर अभी यहाँ पर देख सकते हो कि ये फाइल, अभी इसके अंदर क्या करना होगा, एक चीज़ होती है जो हम लोग को 3DX Max में डिफ़ॉल्ट मिलती है, जिसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर बैच रेंडर। ठीक है, तो बैच रेंडर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमको मिल गया ये चीज़। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, कुछ साइजेस मिल सकते हैं, हम लोग को कैमरा की सेटिंग क्या रखनी है, प्रीसेट क्या रखने हैं, वो भी हम लोग को यहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए मिल जाता है। तो फिलहाल तो हम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे कि हम लोग एक बार भी सेटिंग कर दिया, मेरा रेंडर सेटिंग क्या चाहिए मुझे, एक बार मैंने सेट कर दिया कि मेरा रेंडर सेटिंग हो गया, मेरा जो फाइल का जो रेंडर साइज़ होगा वो भी मैंने सेट कर दिया। अगर सपोज़ अगर जैसे कि अभी ये मेरा इमेज साइज़ है अलग और दूसरा कैमरे का इमेज साइज़ मैं अलग रखना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैंने इमेज साइज़ को मेरे को दूसरे कैमरे में, जैसे सपोज़ मेरे को चाहिए जो ये वाला ये कैमरा भी, चलो ओके ओके है, ठीक है, मेरे को ये कैमरा में थोड़ा सा इधर से छोटा सा होना चाहिए, इधर से छोटा सा होना चाहिए, तो वो भी मुझे अलग कैमरा चाहिए, अलग इमेज का, अलग साइज़ का इमेज चाहिए रेंडर करते वक्त। बाकी मेरी जो अंदर की सेटिंग्स है वही रहेंगी मेरी, बाकी सब कुछ ओके है। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। तो बाकी यही होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, तो ये मैं बताता हूँ आपको। तो इसके लिए जैसे कि अभी यहाँ पर देख सकते हो हम लोग को ऑप्शन मिलता है कि ऐड, यानी कि इधर पे हम लोग ऐड कर सकते हैं कैमरा वाइज, यानी कि पहले तो एक बार ऐड करते तो इधर पे व्यू पोर्ट आ जाता है, डिफ़ॉल्ट व्यू, यानी कि व्यू पोर्ट सेट है इधर पे। ठीक है, तो इधर पे सेलेक्ट करते हैं, इधर पे मेरे को पहला कैमरा यानी फर्स्ट कैमरा, उसके हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं मेरे फर्स्ट कैमरा में कैसा होना चाहिए। मेरा फर्स्ट कैमरा आई थिंक उसका साइज़ कैसा होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पर से सेट कर सकते हैं, इमेज की साइज़ यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर मेरे को अपने फर्स्ट कैमरा की इमेज की साइज़ अलग कुछ चाहिए, जैसे सपोज़ मेरे को इमेज की साइज़ इसकी फर्स्ट कैमरा में हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आ गए फर्स्ट कैमरा में, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है, ऊपर नीचे पूरा ब्लैंक वाइट कलर है। तो मैं इसको मेरे को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है कि मुझे चाहिए कि इसकी जो हाइट है थोड़ी कम होनी चाहिए, लगभग इस तरह से, इस तरह का एक साइज़ होना चाहिए, जो साइज़ है 600 बाई, अगर मैं रखूँ इसको प्रॉपरली राउंड अप 600 बाई 300 के आसपास रख सकते हैं, या 330 या 320, ये मेरे को साइज़ चाहिए। अभी 300 भी रखेंगे तो कोई वांदा नहीं है, यस 300 परफेक्ट है। तो 600 बाई 300 का एक इमेज होना चाहिए जो हम लोग का कैमरा वन के लिए है, तो वो मुझे चाहिए। विड्थ उसका रहेगा 600 का, हाइट इसका रहेगा 300 का, तो हाइट को 300 कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग इस कैमरे के हिसाब से। अभी ये तो कैमरा फर्स्ट व्यू हम लोग का सेट हो चुका है, मेरा सेव किधर पे होगा, इधर पे हम लोग सेट कर सकते हैं मेरा इमेजेस कहाँ पर सेव होगा, तो इधर पे हम लोग आउटपुट में सेट कर सकते हैं। मैं इधर पे एक सेट कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता सोफास, सोफ़ा व्यू, जो भी हम लोग नाम रख सकते हैं अपने हिसाब से, आप अपने सोफ़ास का नाम या व्यू का नाम कैम वन रख सकते हो। एंड इसको कौन से फॉर्मेट में आपको सेव करना है यहाँ पर सेट कर दीजिए एंड सेव कर दीजिए। इमेज साइज इसको आपको स्मूथ ज़्यादा नहीं करना है, स्मूथ ज़्यादा इमेज में आप करो तो स्मूथ करो तो काफ़ी वो ब्लरी आ जाता है, इसलिए बेस्ट रहता है आप नॉर्मल रखिए। ठीक है, और नीचे की तरफ आप ये तो आपने समझा, इधर कैमरा सेलेक्ट करते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग नाम दे सकते हैं, ये जो ये चीज़ है इसका हम लोग नाम दे सकते हैं कि ये क्या है, कौन सा है व्यू, ये कौन सा व्यू है, कौन सा एंगल का व्यू है, कौन सा कैमरा का व्यू है, ताकि इधर पे हम लोग समझ में आ जाए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इधर पे रखना है, ज़रूरी नहीं है। तो अभी ये तो सीन स्टेट्स है, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्रीसेट्स है, जो प्रीसेट हम लोग को इस टाइम पे जो आने चाहिए, यानी कि इस टाइम पे क्या सेटिंग्स होनी चाहिए प्रीसेट्स की जब ये रेंडर होगा, तो ये हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, इसके प्रीसेट मेरे को चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे, जैसा रेंडर सेटिंग्स है
वैसे मुझे चाहिए, बाकी और सारी चीज़ें मुझे चेंज नहीं करनी है, तो बस इतना काफ़ी है। तो अभी एक और ऐड कर लेते हैं, एक और इधर पे एक और ऑप्शन है डुप्लीकेट, अगर मैं चाहूँ तो इसका डुप्लीकेट कर सकूँ, जो भी इसके सेटिंग्स है सेम दूसरे के लिए भी वही अप्लाई हो जाएगा, जो मेरे को ये इसके इमेज साइजेस ये सब बार बार मेरे को चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। यानी कि उसके जो लोकेशन, पाथ के लोकेशन, फाइल के लोकेशन सेम टू सेम चाहिए तो वो डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाते हैं। अगर नहीं आते हैं, जैसे कि इसमें देखो ये पाथ अलग चेंज हो रहा है, ये पाथ अलग आ रहा है, तो इस जगह पे मेरे को इसी पाथ पे मेरे को दूसरा वाला भी सेव करना है, तो मैं इसका ही डुप्लीकेट ले लूँगा, प्रेस डुप्लीकेट, देखो उसी पाथ का वो सब सारी सारी चीज़ें यहाँ सेटिंग्स आ गई है। जैसे कि मुझे यहाँ पर अपना कैमरा चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड करते हैं टू, मैं यहाँ पर कर देता टू नंबर, ठीक है, टू नंबर का कैमरा जो अभी यहाँ पर प्रेस हम लोग करते हैं, टू नंबर कैमरा का व्यू कैसा बन रहा है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरह से बन रहा है, मेरे को थोड़ा सा ऐसे चाहिए, थोड़ा सा दूर चाहिए, कैमरा एंगल चेंज चाहिए, तो फिर ठीक है कर सकते हैं, या फिर मेरे को थोड़ा इमेजेस यानी जो उसका जो साइज़ अलग चाहिए, तो मैं इसका साइज़ अगर मेरे को यहाँ पर चाहिए कि 400x600x600 का चाहिए, या फिर 400x400x600 का चाहिए, ये मेरा कैमरा साइज़ यानी कि इसके लिए इस व्यू के लिए ये साइज़ प्रॉपर रहेगा, तो इधर मैं इसका साइज़ बस चेंज कर देता हूँ, कैमरा एंगल चेंज एंड साइज़ चेंज। और आपको सेम टू सेम चाहिए तो सेम टू सेम अप्लाई करके रखिए बस, और कुछ नहीं। एक बार हमें सेट कर लेना है तो बार बार जाके हम लोग को ये जो चीज़ें मैं अभी कर ले रहा हूँ, मेरे को रेंडर के टाइम पे करने की बार बार जरूरत नहीं। एक बार मैंने रेंडर लगा दिया, क्योंकि रेंडर करने में काफ़ी टाइम भी जाता है, क्योंकि बहुत सारे पीसीज होते हैं, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की पीसी भी रहती है, तो अगर आपने बड़ा रेंडर निकाला हुआ है बड़े साइज़ का 4K 5K का, तो उसको रेंडर होने में टाइम लगता है, आपको कल तक का भी वेट करना है। अभी फिर जाकर रात को 12 बजे उठ के तो जैसे ही रेंडर खत्म हुआ आप दूसरा कैमरा लगा नहीं सकते तुरंत, तो इसके लिए ये बेस्ट होता है कि आप बैच लगा दो, जैसे ही वो एक रेंडर ख़त्म होगा आपका दूसरा रेंडर चालू हो जाएगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पर मैं करके आपको दिखाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए मैं कम साइज़ में रखूँ ताकि आपको पता चले कि कैसा किस टाइप से होता है ये। तो अभी मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, अभी मैं इसका एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ कैमरा नंबर 3 के लिए, तो कैमरा नंबर 3 सेलेक्ट कर लिया एंड कैमरा नंबर 3 आ गया है, कैमरा नंबर 3 आ गया है, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इधर पर ही, तो इधर पे ही मैं कैमरा नंबर 3 को देख लेता हूँ, उसके अंदर एंगल कैसा है, ओके डन फाइनली ओके है। मगर मुझे क्या चाहिए कि इधर पे 600x600 का चाहिए, कि थोड़ा सा बड़ा इमेज रहे तो मेरे को ठीक लगेगा, तो इधर मैं 600x600 का ले लेता हूँ, ठीक है। 600x600 में हमें दिखेगा कैसे, एक बार हम लोग वो व्यू कर लेते हैं। अभी आपको समझ आ गया, दो इमेजेस मैंने सेम साइज़ के लिए, ऑलमोस्ट सेम साइज़ नहीं, तो एक का है 600x400, एक का 600x600, एक का ये, आप सिमिलर भी ले सकते हो। आपको मैं बता दिया कि आप चेंजेस भी कर सकते हो यहाँ पर ओवरराइड पे क्लिक करके, और आप चेंजेस नहीं करना चाहते तो आप जो आपने यहाँ पर सेट करके रखा है आप इसको ओवरराइड को अनमार्क कर दीजिए यहाँ पर इस केस में, तो आप जैसे इसको अनमार्क करेंगे जो इसके ऊपर अप्लाई है डिफ़ॉल्ट मीन्स जो इसमें जो सेटिंग्स है, जो आपके रेंडर सेटिंग में जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स इसके ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। जो आपके रेंडर सेटिंग में सेटिंग्स है वो आपके इस रेंडर में अप्लाई होगी। आपने इधर पे जो भी रखा है 600x600 रखा है, या फिर आपने इसको बंद कर, देखो मैंने बंद कर दिया इधर पे, अभी ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो, जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हो वो, अगर मैं इधर पे देखो इसको दिखा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ तो ठीक है, तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं इसको बंद कर दिया, तो ये इसका डिफ़ॉल्ट जो है जो मैंने यहाँ सेट करके रखा हूँ वो नंबर 3 पे अप्लाई करेगा, यानी कि ये साइज़ का आपको रेंडर मिलेगा। मैं अभी इसको चेक करता हूँ, अभी मैं इसको रेंडर करता हूँ, अभी सबका सेविंग्स पाथ मैंने एक ही जगह पर रखा हूँ, मगर एक प्रॉब्लम ये है कि सबका नाम सेम है, जो लोकेशन है इन सबका, जो लोकेशन है इनका लोकेशन सबके सबका एक ही है, तो सबका लोकेशन मुझे नेमिंग चेंज करना होगा। जैसे सोफ़ा कैम 1 उसका लोकेशन का मैं नेमिंग चेंज कर देता हूँ कैम 2, एंड यहाँ पर कर देता हूँ सेव, ठीक है। तो अभी इसको भी ले लेते हैं, इसका कैम 3, इसको भी कर देते हैं सेव, ठीक है डन। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये आ चुका है, इसका नेमिंग भी आ गया प्रॉपर, और अभी ये पे इसको भी चेंज करना था मुझे, इसका जो डिफ़ॉल्ट चाहिए मुझे कि ये जो है इस पाथ के हिसाब से, इस सेटिंग के हिसाब से उधर पे रेंडर है, 600x600 का चाहिए, मैं 600x400 का मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। नंबर 3 के लिए केस में,
मैं इसको रेंडर पे हिट करता हूँ, देखते हैं हम लोग का रेंडर निकलता कैसे है और कितने जल्दी से निकलता है। और कैमरा मैंने सेट कर दिया हो तो मेरे को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को रेंडर करना है अपने हाथ से, अपने हैंड से, कि बार बार मेरे को रेंडर कैमरा हिट करना है, बार बार चेंज करना है उसको, तो वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है कि मेरे लिए ईजी हो जाता है कि एक बार मैंने रेंडर हिट कर दिया तो जब तक ये पूरा पूरा तीनों कैमरा रेंडर नहीं हो जाता तब तक मेरा हाथ फ्री है, मैं दूसरे काम में अपने दूसरे मॉडल में अपना हाथ लगा सकता हूँ, ताकि बार बार मेरे को इसको बार बार चेक ना करना पड़ेगा। अरे यार एक रेंडर ख़त्म हो गया, दूसरे रेंडर हिट करना है, दूसरा कैमरा हिट करना है, तीसरा कैमरा हिट करना है, वो मेरे को मैन्युअली करना पड़ता। तो ये इजी होता है कि एक बार आपने हिट कर दिया, आपने बता दिया कौन सा लोकेशन पे एक एक फाइल सेव होगी, तो ये ऑटोमेटिकली सबके सब काम कर देगा। जैसे ये रेंडर एक कम्प्लीट होगा वैसे ही इसकी जो इमेजेस है ये ऑटोमेटिक उधर पर सेव कर देगा उस लोकेशन पर। अभी आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक सब कुछ होगा जो भी यहाँ पर होने वाला है। मैं यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर ना ही कोई स्किप कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो एक नॉर्मल स्पीड से चल रहा है सबके सब रेंडर, आप देख सकते हो यहाँ पर। और आपको मेरे पीसी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना है, मेरे पीछे कॉन्फ़िगरेशन में अपने पीसी में कौन कौन से मशीन, कौन कौन से प्रोडक्ट डाल के रखा हूँ उसमें, कौन से रैम यूज़ करता हूँ, कौन से प्रोसेसर यूज़ करता हूँ, तो उसके बारे में, उसका जो मैं कहाँ से परचेस करता हूँ उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके विजिट करके देख सकते हो कि मेरा जो मशीन है किस टाइप का है, उसमें कौन से टाइप के प्रोसेसर लगे हुए हैं। मैं उसका अमेज़ॉन का लिंक आपको दे दूंगा कि आप वहाँ पर जाके विजिट करके देख सकते हो। आपको अगर बाय करना तो बाय कीजिए, आपकी मर्ज़ी, आपको अगर पसंद आता है वहाँ पर तो ले सकते हो। ठीक है, तो बस ये देख सकते हो कि ये रेंडर हो रहा है, जैसे ये कम्प्लीट हो बस ख़त्म होने वाला है, बस नॉर्मली ज़्यादा नहीं है टाइम, फटाफट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ सेकेंड का ही है, और एक दो मिनट और, एक और मिनट आ जाएगा, बस एक और मिनट में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इसके लोकेशन पे जाते हैं और देखते हैं, इसके लोकेशन में ऑन कर देता तब तक ये रेंडर हो रहा है, तब तक ये इसका लोकेशन हम लोग ऑन कर लेते हैं। इसके लोकेशन पे हम लोग चलेंगे तक ये रेंडर होता है, देखिए हम लोग उसके लोकेशन पे आ गए। जैसे देखिए इसका रेंडर कंप्लीट होगा वैसे ही, जस्ट वैसे ही ये देखिए यहाँ पर वो इधर पे उसका फाइल सेव कर देगा, तुरंत वो सेव करेगा, आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो, लाइव सेव करेगा ऑटोमेटिक। जैसे ये रेंडर कंप्लीट होगा मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव करने वाला है और सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है यहाँ पर। जो भी मैंने सेटिंग कर दिया हूँ, जो भी मैंने इसके अंदर लाइटिंग किया हूँ, तो सेम उसी के अकॉर्डिंग ही वो रेंडर हो रही है, और रेंडर सेटिंग जो मैंने एक रखा हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो रेंडर हो रही है। एक रेंडर सेटिंग पे ही सारे सारे एंगल पे रेंडर हो रहा है, ऐसे नहीं कि जो ही नहीं कि सब एंगल पे आपको अलग अलग रेंडर सेटिंग देने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो यहाँ पर रेंडर आ चुका है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये पूरा पूरा रेंडर पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक 3D Max का फाइल के अंदर का कैमरा, एक ही कैमरा हिट पे रेंडर निकाल सकते हैं। अभी आगे आने वाले वीडियो में अभी और भी आपको बताऊँगा कि हम लोग मल्टीपल 3DX Max की फाइल एक ही साथ में कैसे रेंडर करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो फिर अगर आप वीडियो को, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि हम लोग एक ही 3D Max में मल्टीपल कैमरा एंगल को एक ही साथ में आप रेंडर कैसे निकाल सकते हो बिना रुके। और आपको ये मॉडल चाहिए, इस तरह के मॉडल चाहिए, सोफास, चेयर्स, वो भी हाई क्वालिटी वाले, तो आप pixany.com पे जाके विजिट कर सकते हो, आपको वहाँ पर मॉडल्स मिल जाते हैं अच्छी क्वालिटी के, वो भी लोएस्ट प्राइस पे, आप वहाँ पर जाके विजिट करके ले सकते हो।
इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।